नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जीतन राम मांझी कभी महागठबंधन में अपने पार्टी को लेकर चिंतित, जीतन राम मांझी एनडीए का दामन थामते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि जदयू के ऊपर से दबाव डाला जा रहा था कि अपनी पार्टी का विलय हमारे में कर लीजिए, यानी जदयू में कर लीजिए। और ललन सिंह ने इन तो खुलकर बातें कह भी दी। अब देखिए, ललन सिंह को लेकर जो जदयू में प्रकरण हुआ, नीतीश कुमार अब डायरेक्ट सभी लोगों से डील कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने ललन सिंह को साइड कर दिया। नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि ललन सिंह उनकी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। नीतीश कुमार ललन सिंह को धीरे धीरे साइड करते हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करने की लगातार कवायदात शुरू करते हैं। जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार से नज़दीकियाँ उनकी बढ़ती जा रही हैं। एक कार्यक्रम के दौरान जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार एक साथ पहुंचते हैं और जब जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट आने के बाद चर्चाएं जो चलती हैं कि नीतीश के मंत्रिमंडल में कई लोगों की, जो चाहे अति पिछड़ा समाज से आने वाले लोग हो, ईबीसी वर्ग के लोग हों, पिछड़ा वर्ग के लोग हों, इन तमाम लोगों को मौका दिया जाना चाहिए नीतीश कैबिनेट में। यादव मंत्रियों की संख्या ज़्यादा है, बाकी जो जातियां हैं उन मंत्रियों की संख्या कम है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं और चर्चाएं ये भी चली कि मुख्यमंत्री का चेहरा अब बदल देना चाहिए। कांग्रेस ने ये डिमांड कर दिया था कि तीन तीन उप मुख्यमंत्री बिहार में बनने चाहिए। और अब देखिए, भले ही जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन में है, लेकिन उनकी नज़दीकियाँ अब नीतीश कुमार यानी महागठबंधन की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन कहते हैं कि नीतीश जी अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। तो क्या जीतन राम मांझी का मोह भंग एनडीए से हो चुका है? नीतीश कुमार से बढ़ती नज़दीकियां, संतोष सुमन ने ऐलान किया और मांग रख दी नीतीश कुमार के सामने कि अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए। कई दफ़ा ये चर्चाएं चली कि ललन सिंह की वजह से जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उन पर दबाव डाला जा रहा था कि अपने पार्टी का विलय जदयू में करा लीजिए। जीतन राम मांझी ने इसी का हवाला देते हुए अपनी पार्टी को महागठबंधन से अलग कर लिया, एनडीए का दामन थाम लिया। लेकिन ललन सिंह को अब जदयू से साइड करने के साथ ही जीतन राम मांझी की नज़दीकियाँ नीतीश कुमार से बढ़ गई हैं। जीतन राम मांझी बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि हम तो नीतीश कुमार के साथ हमेशा रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे, लेकिन उन्होंने महागठबंधन का दामन छोड़ के एनडीए का दामन थामा और अब देखिए फिर से एक बार नीतीश से नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं। संतोष सुमन ने मांग की है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की। ये मांग पहली बार नहीं है, बल्कि कई दफ़ा ऐसी मांगें उठ चुकी हैं और ख़ासतौर पर संतोष सुमन ने इस मांग को उठाया है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि एनडीए से जीतन राम मांझी का मोह भंग होना शुरू हो गया है? ललन सिंह साइड होते हैं और फिर नज़दीकियाँ नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी की बढ़ती चली जा रही हैं। जो भी चर्चाएं होंगी लगातार हम करेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।